मौसम जिस तरह का चल रहा है अभी, जैसे टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चल रहे हैं वेस्टर्न पार्ट पंजाब में, और इसी तरह से कुछ सॉरी हरियाणा के वेस्टर्न पार्ट में, पंजाब में 43 से 44 डिग्री सेल्सियस के बीच में चल रहा है। ये हालात जो है और 48 आवर अभी इसी तरह से बने रहेंगे, और काफ़ी एरियाज में जो है हीट वेव कंडीशन चलेगी पंजाब और हरियाणा में, और चंडीगढ़ में भी टेम्परेचर जो है 43-44 के आसपास जा सकते हैं। तो यहाँ पे भी हीट वेव चलने की 48 घंटे में संभावना है, और उसके बाद फिर जो है 29-30 में कुछ बादल आने की संभावना है, और होता है कि उससे उस टेम्परेचर में हल्की सी राहत मिले। लू का सर 48-72 घंटे लू भी चलने की संभावना है, वो यही है कि थोड़ा बहुत धूप में ना निकले, और ख़ासकर जो 12 से 3 का टाइम है उसमें बाहर निकलना अवॉइड करें। छुट्टी हुई स्टेट गवर्नमेंट को बताया है, आप छुट्टी करना नहीं करना उनका डिसीजन है, और कुछ जैसे चंडीगढ़ में तो ऑलरेडी अभी जो है छुट्टियों का टाइम है, कुछ स्कूल से छुट्टी भी किया है, तो जहाँ जहाँ ज़्यादा गर्मी है वो स्टेट डिपार्टमेंट अपने लेवल पे डिसीजन लेते हैं। लेकिन हीट वेव का जो हालात है अगले 48-72 घंटे में अभी पंजाब हरियाणा और चंडीगढ़ में बने रहे। अभी जो हरियाणा के कुछ हिस्सों में जैसे टेम्परेचर 45 प्लस चला गया है, वहाँ भी 46 के आसपास जा सकते हैं टेम्परेचर, और 46 प्लस भी जा सकते हैं, 48 तक जाने की भी संभावना नहीं है इस वक्त। लेकिन यह है कि गर्मी जो है और जो लू की हालात है अगले 48-72 घंटे तक चलते हैं, हिट नहीं है उसकी संभावना, इमीडिएट कोई उसकी संभावना नहीं है। अभी तो 48-72 घंटे हालात जो है इस तरह से साफ है, और गर्मी की संभावना है जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहेंगे, और लू चलने के मामले कुछ हिस्सों में जरूर। देखिए जो आग होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं तो कहीं से भी अगर लोग, कई बार तो जो मैन मेड एक्टिविटी होती है, नेचुरल अगर हो तो आग तो दूसरी बात है, और क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है तो कहीं पे भी उसकी शुरुआत होती है तो एकदम से फैल जाती है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा है। शिवेंद्र ये लड़का यहाँ आता था, ये क्या नाम है उसका,